पहले तो बहुत आभार व्यक्त करता हूँ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी का कि ऐसे संकट की घड़ी में जब हमारी पार्टी के मुखिया को जेल में डाल दिया गया है, दिल्ली के 2 करोड़ लोगों के द्वारा निर्वाचित 3 बार प्रचंड बहुमत से निर्वाचित मुख्यमंत्री को जेल में डाल दिया गया है, समाजवादी पार्टी के मुखिया हमारे समर्थन में दिल्ली पहुंचे, रैली को संबोधित किया। आज भी उन्होंने भाभी जी से बातचीत करके उनसे हालचाल पूछा, संगीता भाभी से। तो मैं इसके लिए विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूं आपका। और जिस तरह से दिल्ली में भी ऑपरेशन लोटस शुरू कर दिया गया है, आपने देखा किस तरह से हमारे एक मंत्री को, जिस पे पहले ईडी का छापा पड़वाया गया और बाद में उसको इस्तीफा देने का दबाव बनाया गया। इस लड़ाई में आपने हमारा साथ दिया, फिर से मैं आपकी पार्टी का और आपका हृदय से आभारी हूं। ये 2024 का चुनाव कोई सामान्य चुनाव नहीं है, ये भारत के लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है, बाबा साहब के संविधान को बचाने का चुनाव है और समाज के वंचित, पिछड़े, शोषित लोगों के अधिकार जो छीने जा रहे हैं, देश के नौजवानों को बेरोजगारी के दलदल में जो धकेला जा रहा है, हिंदुस्तान को जो महंगाई की चपेट में लिया जा रहा है, उससे बचाने का चुनाव है। ये 24 का चुनाव कोई सामान्य चुनाव नहीं है, ये एक तानाशाह हुकूमत के खिलाफ लोगों को लामबंद करने का भी चुनाव है। और मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूं कि इंडिया गठबंधन 2024 का चुनाव जीतेगा और समाजवादी पार्टी के जितने भी आज जो बातचीत हुई आपसे, अखिलेश जी से, अध्यक्ष जी से, जहां जहां समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट उत्तर प्रदेश में हैं, हम यूपी का चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, हमारा एक एक कार्यकर्ता, जहां हमारे निर्वाचित प्रतिनिधि हैं, सभासद हैं, चेयरमैन हैं, वो सारे लोग और एक एक कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट को जिताने के लिए काम करेगा, क्योंकि ये बड़ी लड़ाई है, लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है, तानाशाही को खत्म करने की लड़ाई है। और मैं तो बार बार कहता हूं कि कोई भी राजनेता अगर वो चुनाव जीत रहा होता है तो ऐसे हथकंडे नहीं अपनाता जैसे प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। अगर आप अपने विपक्षियों पे मुकदमे लगा रहे हैं, उनको फर्जी मुकदमे लगा के जेल में डाल रहे हैं, तो इसका मतलब आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, चुनाव के समय में आप ऐसी कार्रवाई कर रहे हैं। तो फिर से एक बार मैं दोहरा रहा हूं, कोई कंडीशन नहीं है, कोई सीट की मांग नहीं है, कहीं कुछ नहीं है, लोकतंत्र को बचाने के लिए, तानाशाही को खत्म करने के लिए, भारत के संविधान की रक्षा के लिए हम लोग इस लड़ाई में साथ हैं। और पूरे यूपी में जहां जहां समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट होंगे, इंडिया गठबंधन के कैंडिडेट होंगे,